हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वेरी ब्यूटीफुल मनी प्लांट के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट सभी घरों में पाया जाता है। और आज हम जानेंगे कि आपको इसको विंटर में कैसे इसकी देखभाल करनी है, क्योंकि ज़्यादातर विंटर में मनी प्लांट खराब होने लगते हैं और इसकी जो लीव्स हैं वो झड़ने लग जाती हैं। तो ये जो मंथ है, मिड ऑफ दिसंबर अभी चल रहा है और आप देख रहे हैं मेरा जो मनी प्लांट है बिल्कुल हरा भरा है। और कैसे मैं इसकी केयर करती हूँ और कैसे आप भी इसकी केयर करके इसको बिल्कुल हरा भरा रख सकते हैं, तो वो जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। मनी प्लांट का असली नेम है पोथोस, और क्योंकि ये प्लांट जो है वो गुड लक के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो मनी प्लांट भी है। इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं, जॉय पोथोस, मार्बल पोथोस, गोल्डन पोथोस, और ये सबसे उसकी कॉमन वेराइटी है। और इसी वेराइटी को आप ज़्यादातर घरों में देखेंगे और यही सबसे अच्छी सब एरियाज़ में ये वैरायटी जो है वो चल जाती है। बट सर्दियों में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनके मनी प्लांट की लीव्स जो है वो येलो होके गिरने लग गई हैं, तो कैसे उसकी देखभाल की जाए ताकि वो हमेशा हरा भरा रहे। और कई बार तो उसमें रूट रूट की प्रॉब्लम की वजह से मनी प्लांट खराब भी हो जाते हैं विंटर्स में, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो इसके लिए मैटर करती है कि आपने इसे लगाया कैसे है। मेरा ये जो मनी प्लांट है, आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे मनी प्लांट की, जिसमें मैंने इसे एक सिंगल सिंगल लीव से ग्रो किया हुआ है। तो लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी आपका मनी प्लांट जो है वो बुशी रहता है। अगर इसके ग्रोइंग पीरियड में ये बुशी है तभी ये आगे जाके भी बुशी रहेगा, अदरवाइज विंटर में इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी रुक सी जाती है। इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो नहीं करेगा। तो जब आप अपने मनी प्लांट को लगाएंगे तभी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मनी प्लांट जो है वो आप घने तरीके से लगाएं, ताकि आगे भी वो बहुत अच्छे से चलता रहे। इसके लिए आप मेरी मनी प्लांट की वीडियो देख सकते हैं कि कैसे मैंने सिंगल सिंगल लीव के साथ एक पूरा पॉट जो था वो भरा था। और अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे इसके साथ मोस्टिक जो है वो साथ में अटैच करनी पड़ी, और उसके साथ ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसको लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान भी ज़रूर रखें कि आपने इसके लिए कैसा सॉइल मिक्सचर यूज़ किया है। पोरस सॉइल मिक्सचर यूज़ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विंटर्स में पानी जो है वो बहुत जल्दी नहीं सूखता है, जिसकी वजह से भी प्लांट में रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो वीडियो देखिएगा जरूर कि कैसे उसे लगाया जाता है, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको मनी प्लांट ग्रो करना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं विंटर की तरफ, क्योंकि अभी हम इसको नई सिरे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो आपके प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, जैसे भी सॉइल मिक्सचर में लगे हुए हैं, तब उनकी केयर कैसे की जाए उसके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वॉटरिंग की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो मनी प्लांट है इसे हमेशा थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल मिक्सचर जो है वो पसंद होता है, बट वो इसके ग्रोइंग सीजन की बात है। जब इसके विंटर सीजन में ये आ जाता है तब इसमें एक ही पानी बहुत लंबे समय तक इसकी मिट्टी में रहता है, तो इसको हमेशा मॉइस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। बीच में जब इसकी सॉइल जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई हो जाए, उसके बाद आप इसमें वॉटरिंग करें। गीली मिट्टी में गलती से भी वॉटरिंग ना करें। अगर आपको मिट्टी थोड़ी सी भी मॉइस्ट दिखती है तो इसमें वॉटरिंग मत कीजिए। कम से कम हफ्ते भर के बाद अब हमें इसमें वॉटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने मनी प्लांट को कैसी जगह पे रखा हुआ है। अभी मनी प्लांट की पत्तियों के पीले होकर गिरने के सर्दियों में दो मेन रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है इसका ठंड, कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन चला जाता है, उसकी वजह से भी इसकी लीव्स जो है वो गिरने लग जाती हैं। तो इसको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको सनलाइट मिले। गर्मियों में हम इसे सनलाइट से बचाते हैं, क्योंकि गर्मियों में इसकी पत्तियाँ जो है वो जलने लग जाती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। बट सर्दियों में जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तो ऐसी सनलाइट इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। आप इसे सारे दिन की धूप में भी रख सकते हैं अगर आपके लिए ये पॉसिबल है तो, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम इसको खुली जगह पे नहीं रख सकते। दूसरा रीज़न जो मनी प्लांट की पत्तियों के पीले पड़ने का होता है वो है ओस। सर्दियों में पड़ने वाली ओस का जो पानी होता है उससे भी मनी प्लांट बहुत तेज़ी से ख़राब होते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है कि इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर धूप मिले इसे, ताकि इसको गर्माहट मिले दिन में, तब ये अच्छे से अपने लिए जो गर्मी है वो इकट्ठी कर पाएगा। और दूसरी चीज़ कि इसको ओस से बचाने के लिए किसी छत वाली जगह के नीचे रखें जहाँ पे इसके ऊपर ओस ना पड़े। अगर आपका प्लांट आउटडोर है या फिर उसके ऊपर ओस पड़ रही है, तो आप इसको एक बड़े पॉलीबैग से शाम को कवर करके रख सकते हैं, ताकि रात के टाइम पर जो ओस इसके ऊपर पड़ती है वो इसके ऊपर ना पड़े और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी रहे। विंटर्स का पीरियड जो है वो मनी प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है, मतलब इस टाइम के दौरान ये प्लांट पूरी तरह से रेस्ट पे होता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। आपको सिर्फ इसकी करंट ग्रोथ को संभाल के रखना है कि वो नहीं सूखे। आपको इसकी ग्रोथ पे ज्यादा जोर नहीं देना है, कोई भी
नए नए टाइप के फर्टिलाइजर, या जो मैंने भी आपको फर्टिलाइजर बताए हैं कटिंग ग्रो करने की वीडियो में, वो भी कोई भी टाइप के फर्टिलाइजर अभी आपको मनी प्लांट में नहीं देने हैं, क्योंकि इस टाइम पे प्लांट सो रहा है, उसको आराम करने दीजिए। स्प्रिंग सीजन आएगा, वो फिर से ग्रोथ पकड़ेगा और उस टाइम पे हम इसे फर्टिलाइजर दे सकते हैं। किसी भी टाइप के फर्टिलाइजर या कोई भी जादुई चीज़ जो है वो इसके ऊपर काम नहीं करने वाली है, तो आप उससे अपने प्लांट को और ख़राब कर देंगे अगर आप उसको ज़बरदस्ती ओवरफीड करने की कोशिश करेंगे। तो कोई फर्टिलाइजर अभी इसको नहीं देने हैं। किसी भी तरह की छेड़छाड़ अपने प्लांट के साथ मत कीजिए। फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर इसकी कुछ पत्तियाँ बीच में पीली पड़ रही हैं तो उनको प्लांट के ऊपर से साथ के साथ हटाते रहिए, क्योंकि जो लीव्स एक बार येलो हो चुकी हैं वो दोबारा से ग्रीन नहीं होंगी कुछ भी डालने से, तो इसलिए उनको हटा दीजिए ताकि उनके ऊपर जो यूज होने वाली एनर्जी है वो बच सके और प्लांट अपनी एनर्जी सिर्फ जो ग्रीन लीव्स हैं उन्हीं को बचाने में लगाए। तो टाइम टू टाइम इसकी सफाई जरूर करते रहिए, जितनी भी डेड लीव्स हैं इसकी वो हटाते रहिए, थोड़ी बहुत जो डेड लीव्स निकलेंगी उनको आप साथ के साथ रिमूव करते रहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट कि आपको अपने मनी प्लांट को इस टाइम पे रिपोर्ट नहीं करना है। अगर आप कोई वीडियो देख के ये सोच रहे हैं कि मेरे सॉइल मिक्सचर अच्छा नहीं है तो विंटर्स में मेरा प्लांट जो है वो मर सकता है, बट आप उसकी सही से केयर करेंगे तो उस सॉइल मिक्सचर में भी आप वो टाइम निकाल सकते हैं। बट गलत टाइम पे कभी भी मनी प्लांट को रिपोर्ट मत कीजिए। अगर उसकी रूट जो है वो खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, तो उसकी वजह से आपका प्लांट के मरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे भी सॉइल मिक्सचर में वो अभी है उसे उसी में रहने दीजिए और कम पानी के साथ आप उसको सर्वाइव करने का ट्राई करिए, और जब स्प्रिंग सीजन आएगा तब आप उसको कटिंग से नए सिरे से ग्रो कर सकते हैं या फिर उसको रिपोर्ट करके नए पॉट में या नए सॉइल मिक्सचर में लगा सकते हैं। गर्मियों में हम अपने मनी प्लांट के ऊपर पूरी तरह से पॉटिंग कर देते हैं ताकि इसकी पत्तियां ठंडी ठंडी रहें और गर्मी से जले नहीं, वो गर्मियों के लिए अच्छा है। बट सर्दियों में आप इसकी पत्तियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ पानी मत छिड़कें। जब इसको वॉटरिंग करनी है हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, तब आप इसको वॉटरिंग कर सकते हैं ताकि इसकी जो मॉइस्चर है वो भी गीली हो जाए और उसके साथ इसको मॉइस्चर जो है वो सारे प्लांट को मिलता रहे। उसके अलावा बार बार आप इसके ऊपर मिस्टिंग ना करें किसी भी चीज़ के साथ, पानी के साथ भी नहीं, सिर्फ आप इसके पॉट में वॉटरिंग करें। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत सॉइल जो है वो ड्राई हो गई है, जल्दी आपको वॉटरिंग करनी पड़ रही है, 4-5 दिन बाद अगर आप वॉटरिंग कर रहे हैं तो आप इसकी सीधे सॉइल में वॉटरिंग करें, पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर पानी मत डालिए। विंटर्स में पानी जल्दी नहीं ड्राई होता है तो पानी के खड़े होने से उसमें फंगस डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं, और ठंडा पानी जब इसकी लीव्स के ऊपर रुका हुआ रहेगा तब भी इसकी लीव्स जो है वो बहुत जल्दी ड्राई होने लग जाती है, येलो होने लग जाती है। अगर आपका मनी प्लांट पॉट के अंदर बहुत ज़्यादा घना नहीं है बट उसकी स्टेम्स लंबी लंबी हैं, तो उसको घना करने के लिए आप उसकी जो स्टेम है उसको उसी पॉट के अंदर सीधा मिट्टी में दबा दीजिए। उसके जो नोड एरियाज हैं जहाँ से उसकी रूट निकलती हैं, जब वो मिट्टी के अंदर जाएंगी तो वो सब जगह से नई ब्रांचेज जो है वो डेवलप करती हैं, इससे आपका मनी प्लांट जो है वो बुशी हो जाएगा। ये चीज़ आप विंटर्स में भी कर सकते हैं। अगर आप प्लांट में और ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना चाहते हैं या प्लांट में जो आपकी जो स्टेम्स हैं वो नहीं टिक रही हैं, तो आप इसके लिए यू पिंस का यूज़ कर सकते हैं, जो लेडीज़ जूड़ा पिंस यूज़ करती हैं, उसकी हेल्प से आप इसे मिट्टी में दबा के इस तरह से ऊपर से यू पिन लगा देंगे, तब भी ये मिट्टी के साथ टच में रहेंगी और वहाँ से इसकी न्यू शूट्स जो है वो निकलने के चांसेस बन जाते हैं। इसी पर्पज़ से ही हम इसमें मोस्टिक यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पे जब ये रूट पकड़ती है तो नई ब्रांचेज जो है वो इसमें डेवलप होती हैं, अच्छे से मॉइस्चर मिलता है प्लांट को, तो ये अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। मनी प्लांट को इस मोस्टिक के ऊपर सेट करने के लिए भी मैंने उन्हीं यू पिंस का यूज़ किया है, उससे आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से बहुत ब्यूटीफुली प्लांट के ऊपर रह जाता है और जल्दी उसके नोड्स जो है वो मोस्टिक के साथ रूट्स पकड़ लेती हैं, क्योंकि वो उसके साथ सही तरीके से हम उसको फिक्स करके टच करके रखते हैं, तो ये बहुत अच्छे से रूट्स पकड़ता है और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो भी करता रहता है। जब आपका मनी प्लांट अच्छे से मोस्टिक के साथ सेट हो जाए तब आप उन यू पिंस को निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज वो लगे भी रहेंगे तो प्लांट को कोई नुकसान उनसे नहीं होगा। विंटर्स में आपको अपने मनी प्लांट की कटिंग प्रूनिंग भी नहीं करनी है, इस टाइम पे सिर्फ अपने प्लांट को रेस्ट करने दीजिए और सिर्फ उसको ज़रूरत का पानी दीजिए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डाइट उसको देने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम पे प्लांट ऑलरेडी डोरमेंसी में है, शॉक में है, तो उस टाइम पे उसको कटिंग करके और ज़्यादा शॉक मत दीजिए, उसको रेस्ट करने दीजिए। और जब स्प्रिंग सीजन आएगा तब आप अगर उसकी लीव्स के ऊपर पत्तियाँ नहीं है, वो खाली खाली लग रही हैं, तब आप उनको कट कर सकते हैं और उन्हीं से आप नए प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं या सेम पॉट में भी उन्हें लगा सकते हैं अपने पॉट को बुशी करने के लिए। फरवरी में आप ये काम आराम से कर सकते हैं, उसी टाइम पे आप नए मनी प्लांट जितने चाहे ग्रो कर सकते हैं, और ये भी उसी टाइम के दौरान ग्रो किया गया मनी प्लांट है। उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि इस तरह से बुशी प्लांट जो है वो आप किस तरह से ग्रो कर पाएंगे। विंटर्स में इंडोर लाइट जो है वो काफी कम हो जाती है, तो अगर आपने अपना मनी प्लांट इंडोर रखा हुआ है तो उसे खिड़की के उस तरफ रखिए जहाँ पे
धूप जो है वो दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहती है, या फिर इंडोर अगर सनलाइट नहीं आ रही है तो आप इसको बाहर रखिए जहाँ पे इसको सनलाइट मिले, बट ध्यान रखें कि छत के नीचे ही रखिए जहाँ पे इसके ऊपर ओस ना पड़े। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये देखिए मेरा मनी प्लांट जो है वो जमीन में लगा हुआ है, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, काफी बड़ी इसकी पत्तियां हैं, सारा दिन ये धूप में रहता है बट फिर भी इसकी पत्तियां पीली होकर गिर रही है क्योंकि मैं इसको ओस से नहीं बचा पा रही, मैं इसको कवर नहीं करती हूँ क्योंकि ये आउटडोर है, अपने आप ही फिर से स्प्रिंग सीजन में अच्छे से चल पड़ेगा, जमीन पे लगा हुआ है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे इसके लिए। सिर्फ एक ओस की वजह से इसकी पत्तियां जो है वो येलो होके गिरने लग गई है, अदरवाइज ये प्लांट भी उतना ही घना था जितना कि ये प्लांट है, पर कोई बात नहीं, जमीन पे लगा हुआ है तो स्प्रिंग सीजन में अपने आप ये नई पत्तियां जो है वो ग्रो कर लेगा क्योंकि इसने रूट्स पकड़ी हुई है पेड़ के ऊपर। बट अगर आपका प्लांट पॉट में है और आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं तो उसे आप आउटडोर शिफ्ट कीजिए जहाँ पे धूप अच्छी मिले बट ओस उसके ऊपर ना पड़े, ओस पड़ती है तो आप उसको पॉलिथीन से कवर कर सकते हैं। तो विंटर सीजन में बस इतनी ही केयर करनी है आपको अपने मनी प्लांट की, उसको अच्छा सुंदर घना बनाए रखने के लिए, और ज़्यादा कुछ आपको इसके लिए नहीं करना है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मनी प्लांट या किसी भी प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस।